चार दोस्तों, हम 20 टन पर डे फिश फीड मेकिंग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 20 टन पर डे फिश फीड मेकिंग मशीन है, एक बार पूरी मशीन दिखा दीजिए। ये 20 टन पर डे फिश फीड मेकिंग मशीन है। इसमें फर्स्टली हम बात करेंगे डाई सेक्शन। ये डाई है, ये यहाँ पे डाई होल्डर लगा हुआ है, ये डाई है। और ये शार्प फिनिश ब्लेड है जो डाई पे टच होके चलती है तो दाना कटिंग होती है। देन आफ्टर हम आते हैं आगे बैरल सिस्टम में। ये बैरल सिस्टम लगा हुआ है और इसके ऊपर बैरल के ऊपर जो मीटर लगे हुए हैं वो इसका टेम्परेचर शो करती है। और उसके बाद ये स्टीम के पाइप्स हैं। ये ट्विन स्क्रू इसको इसलिए बोला जाता है, इसमें दो स्क्रू होते हैं। दो स्क्रू दिखाइए, आइए। इसमें दो स्क्रू होते हैं इसलिए इसको ट्विन स्क्रू बोला जाता है। इसमें फ्लोटिंग फिश फीड मेकिंग मशीन बोला जाता है इसको, फ्लोटिंग फिश फीड इसमें बनता है। और फिर उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद ये ट्विन स्क्रू हो गया, उसके बाद हम आते हैं ये इसमें गेयर बॉक्स है, गेयर बॉक्स लगता है। इसमें जो ऑयल चलता है, ऑयल रोटेट होता है और गर्म नहीं हो इसके लिए, तो इसमें मोटर लगा हुआ है पीछे, जो मोटर पंप लगा हुआ है तो ऑयल को सर्कुलेट करता है। यहाँ से ऑयल एक बार इनपुट करने के बाद बाकी टाइम सर्कुलेट करता है और वो ख़राब होने के बाद यहाँ से आउट, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर चेंज कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। ड्रेन है इसका बाहर निकालने के लिए। इसमें पीछे लगती है 100 HP की मोटर लगेगी। इसका 4 mm पे प्रोडक्शन है 4 mm पे निकलेगा 1500 किलो मटेरियल इसमें निकलेगा 1 घंटे में। और जो 2 mm, 1 mm और 2 mm में निकलेगा इसका 1 टन दाना। और ऊपर ये फीडर लगा हुआ है, वो फीडर से मटेरियल इनपुट होगा ऊपर टैंक से, टैंक के बाद फीडर में आएगा, फीडर के बाद वो फीडर से इनपुट होगा इस स्क्रू में। यहाँ पे पूरा मटेरियल एक्सट्रूजन होके यहाँ से फीड निकलेगा, तो वो फीड बन के और देन आफ्टर वही बेल्ट कन्वेयर से अपने ड्रायर में जाएगा, टनल टाइप ड्रायर में जाएगा, ड्रायर के बाद फ्लेवरिंग ड्रम में जाएगा, फ्लेवरिंग ड्रम के बाद पैकिंग के लिए, कोटिंग के लिए जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में, जो कमर्शियली यूज़ होता है। कमर्शियली दाना अगर यूज़ करना है, कमर्शियली दाना हमें बनाना है, सेल भी करना है और ख़ुद फार्मर को यूज़ भी करना है, तो उसको ट्विन स्क्रू पे हम बोलते हैं कि ट्विन स्क्रू पे जाए, रिकमेंडेड करते हैं कि वो ट्विन स्क्रू ही परचेज करें। और अगर सेल्फ यूज़ के लिए करना है कम क्वांटिटी में, जैसे 2 टन पर डे, तो वो उसके लिए 200 kg कैपेसिटी की फ़िश फीड मशीन यूज़ होती है। देन आफ्टर हम बड़े स्केल पे हम फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए अगर दाने का रिक्वायरमेंट है हमें बहुत ज़्यादा, तो हम 8 टन पर डे और 20 टन पर डे पे जो प्लांट है उस पर हम जा सकते हैं। उसके बाद हम बाकी और भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये हमने